चलिए अब बात करते हैं यूनियन ऑफ सेट की, ठीक है। तो पहले तो हम ये जान लें कि हमने अभी तक क्या क्या पढ़ चुका है। हमने इस चैप्टर में सेट पढ़ चुका है, सेट क्या होता है ये पढ़ चुका है, सेट के लिखने के तरीके पढ़ चुके हैं, टाइप ऑफ सेट पढ़ चुका है हमने, सबसेट पढ़ लिया पिछले लेक्चर में, पावर सेट पढ़ लिया, यूनिवर्सल सेट पढ़ लिया, ठीक है, और हाँ यही कुछ इंटरवल वाले क्वेश्चन कर लिए। अब बात आएगी यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट और डिफरेंस ऑफ सेट की, ठीक है। तो डेफिनेशन तो बहुत सारी लिखी ही गई है, डेफिनेशन पे नहीं जाते हैं अपन। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसेप्ट की, फिर डेफिनेशन आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे सबसे पहले मेरे पास मान लो अगर सेट ए है, मेरे पास सेट ए है 1 2 3 4 और मेरे पास सेट बी है 3 4 5 6। हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं यूनियन ऑफ सेट्स। क्या चाहते हैं, यूनियन ऑफ सेट, यूनियन मतलब कंबाइन करना, यूनियन मतलब कंबाइन करना। हम क्या करेंगे, हम एक ऐसा सेट लिखेंगे जिसमें ए के सारे एलिमेंट आएंगे और बी के सारे एलिमेंट आएंगे। समझ में आएगी नहीं आया, हम एक ऐसा सेट लिखेंगे जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट आ जाएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे और उस सेट को यूनियन कहा जाएगा। तो अगर अगर मैं ए यूनियन बी लिखना चाहता हूँ, यूनियन को याद रखिएगा यू से डिनोट किया जाता है, किससे, यू से। तो अगर मैं ए यूनियन बी लिखना चाहता हूँ तो ए यूनियन बी मतलब ए और बी दोनों को जोड़ दो, मतलब ए के सारे एलिमेंट लिख दो, बी के सारे एलिमेंट लिख दो, हो गया यूनियन ऑफ सेट। समझ में आएगी नहीं आया, अगर आपको ए सेट दिया, आपको बी सेट दिया, बोला ए यूनियन बी निकालो, यूनियन मतलब कंबाइन करना, तो ए के सारे एलिमेंट लिख दो, बी के सारे एलिमेंट लिख दो, हो गया यूनियन। याद रखना कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखोगे। जैसे देखो सबसे पहले ए के एलिमेंट लिख देता हूँ, जैसे ए के एलिमेंट क्या है 1 2 3 4, फिर बी के एलिमेंट लिखना होता है 3 4, लिख चुके हैं ऑलरेडी, लिख चुके हैं, क्या लिखेंगे 5 6, ये हो गया यूनियन। समझ में आएगी नहीं आया, जैसे 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 मान लो एक और एग्जांपल लेते हैं, सेट ए दिया है हमें 1 2 3 4 5 और सेट बी दिया है हमें 2 6 10 4, ये दिया है हमें, चाहिए ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होगा जिसमें ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, ठीक है। तो पहले ए के सारे एलिमेंट लिख देते हैं 1 2 3 4 5, ए के सारे एलिमेंट लिख दिए। अब बी के सारे एलिमेंट लिखना होगा, 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं, देखो बी का जो 2 है ऑलरेडी लिख चुके हैं, तो क्या आएगा 6 आएगा, फिर बी का 10 आएगा, फिर बी का जो 4 है ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस यही हो जाएगा ए यूनियन बी। क्या समझ में आया आपको ए यूनियन बी। एक और एग्जाम्पल देखो, मान लो सेट ए है 1 2 3 4 5, सेट बी है 4 5, इन्हें कंबाइन करके लिखते हैं ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ए और बी को कंबाइन करना, तो पहले ए लिखेंगे 1 2 3 4 5 और फिर बी लिखेंगे, बी है 4 5 ऑलरेडी लिखा हुआ है, भाई साहब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी आ गया। मतलब हमने ए सेट लिखा, बी लिखने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि बी का 4 5 ऑलरेडी ये लिख चुके हैं। इसका मतलब ए यूनियन बी का जो आंसर आया, समझ में आया ना ए यूनियन बी कैसे, पहले ए सेट के एलिमेंट लिख दिए, फिर जब हम बी सेट के एलिमेंट 4 5 लिखने गए तो ये तो पहले से लिखा हुआ था, और ये जो ए यूनियन बी का आंसर आया असली में ए के बराबर आ गया। तो हो सकता है ए यूनियन बी का कभी आंसर ए के बराबर आ जाए, कभी आंसर बी के बराबर आ जाए। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है, तो अब डेफिनेशन आराम से समझ में आ जाएगी। देखो क्या लिखा है, लेट ए एंड बी बी द टू सेट, यूनियन ऑफ ए एंड बी इज द सेट विच कंजिस्ट ऑफ, ए यूनियन बी वो सेट होता है, ए यूनियन बी वो सेट होता है विच कंजिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए, जो कि ए के सारे एलिमेंट कंजिस्ट करता है, बी के सारे एलिमेंट कंजिस्ट करता है और कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिया जाता है। जैसे यहाँ देख लो 1 2 3 4 3 4 5 6, तो कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिया गया, कॉमन एलिमेंट क्या था यहाँ पे 3 4। तो देखो ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट एक बार, तो ये बन जाता है हमारा ए यूनियन बी। क्या बन जाता है हमारा ए यूनियन बी, डिनोटेड बाई यू, ठीक है। सिम्बोलिकली वी राइट ए यूनियन बी यूज एज ए यूनियन बी। समझ में आएगी नहीं आया यूनियन, बहुत आसान। अब इसके बाद यूनियन जैसे ही हम समझ जाते हैं उसके बाद बात आती है, चलो एक एग्जांपल बता सकते हो, मान लो सेट ए है ऑल नेचुरल इवन नंबर्स, ठीक है, सेट बी है ऑल नेचुरल ऑड नंबर्स, इनका यूनियन बता सकते हो क्या आएगा, इनका यूनियन, यूनियन मतलब कंबाइन करना, सारे नेचुरल इवन नंबर कंबाइन कर दो, सारे ऑड नंबर कंबाइन कर दो। मतलब ए क्या है, ए असली में है 2 4 6 8 एंड सो ऑन, और बी सेट क्या है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर मतलब 1 3 5 7 एंड सो ऑन, इनको अगर कंबाइन कर दोगे
तो आपको क्या मिलेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब सारे नेचुरल नंबर जिसे कैपिटल एन कहा जाता है। तो आप यूनियन का मतलब समझ में आएगी नहीं आया, यूनियन का मतलब ए यूनियन बी का मतलब ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट को कंबाइन कर लेना। चलिए इसके बाद आ जाते हैं इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ठीक है। तो हेडिंग डालते हैं इंटरसेक्शन, गलत, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, ये हेडिंग डाल देते हैं। अब इंटरसेक्शन ऑफ सेट का मतलब, इंटरसेक्शन को देखो उल्टा यू, यू को उल्टा कर दो ऐसे, इंटरसेक्शन ऑफ सेट। अच्छा, ए इंटरसेक्शन बी, उल्टा यू लिखा है, इसमें वो एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ। ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आते हैं जो ए और बी दोनों के लिए क्या हो, कॉमन हो। जैसे कि एग्जांपल, सेट ए दिया है 1, 2, 3, 4, सेट बी दिया है 3, 4, 5, 6। अब ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, तो दोनों में कॉमन कौन से, दोनों में कॉमन है 3, 4 कॉमन है, तो इसके अंदर कौन आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 3, 4। बस इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एलिमेंट। जैसे अगर मैं बात करूं, ए दिया गया है 1, 2, 3, 4, 5, बी दिया गया है 6, 7, 2, 9, 10, 11, तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन आएंगे, जो कॉमन होगा दोनों में। तो दोनों में कॉमन क्या है, देखो दोनों में कॉमन सिर्फ 2 है, ढंग से देख लो, दोनों कॉमन क्या है, सिर्फ 2 है, तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर कौन आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ में आगे नहीं आया, तो इंटरसेक्शन के अंदर क्या आते हैं, कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। जैसे कि मान लो ए सेट है 1, 2, 3, बी सेट है 4, 5, 6। अगर मैं आपसे बोलूँ ए इंटरसेक्शन बी निकालो, आप तो बोलोगे सर कुछ कॉमन है ही नहीं, और जब कुछ कॉमन ना हो तो उसका आंसर क्या होगा, 5, एम्प्टी सेट। इसीलिए तो हमने एम्प्टी सेट पढ़ा था भाई साहब, कुछ कॉमन ना आए तो 0 नहीं लिखना है सेट में, ये 0 नहीं चलता, क्या लिखेंगे, एम्प्टी सेट। ए और बी में कुछ कॉमन नहीं, तो ये हो जाएगा एम्प्टी सेट, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देता हूँ, मान लो सेट ए है 1, 2, 3, 4, 5, सेट बी है 2, 3, 6, 7, सेट सी है 6, 5, 8, 9। आपको निकालना है सबसे पहले ए यूनियन बी, चलो ट्राई करो जल्दी से, बी यूनियन सी, तीसरा निकालना है ए यूनियन सी, चौथा निकालना है आपको ए इंटरसेक्शन बी, पांचवा निकालना है बी इंटरसेक्शन सी। पॉज करो, ट्राई करो। ट्राई कर लिया, चलो अब मैं बताता हूँ आपको। ए यूनियन बी मतलब ए और बी में क्या, ए और यूनियन मतलब कंबाइन करना, तो ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देंगे। तो कैसे करेंगे, ए और बी के एलिमेंट्स को पहले लिखेंगे ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट क्या, 1, 2, 3, 4, 5, और फिर बी के सारे एलिमेंट, 2 लिख चुका हूँ, 3 भी लिख चुका हूँ, तो क्या आएगा 6, 7, ये हो गया ए यूनियन बी। बी यूनियन सी में आते हैं, बी और सी को कंबाइन कर देते हैं, बी और सी को, पहले बी के एलिमेंट यूनियन में सबसे पहले सेट के एलिमेंट ले लिया करो, बी के एलिमेंट और फिर सी के एलिमेंट, सी के एलिमेंट क्या है 6 लिख चुका हूँ, 5 नहीं लिखा, 8 नहीं लिखा, 9, ये हो गया बी यूनियन सी। अच्छा ए यूनियन सी, ए और सी को कंबाइन करना, ए और सी को कंबाइन करेंगे, ए और सी को क्या कर देंगे, कंबाइन कर देंगे, चलो ए और सी को कंबाइन कर दें इसमें, तो ए के एलिमेंट क्या है 1, 2, 3, 4, 5, और सी के एलिमेंट क्या है 5 लिख चुका हूँ, 6, 8, 9, ये आ जाएगा। चलो अब उसके बाद आ जाते हैं ए इंटरसेक्शन बी में, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या इंटरसेक्शन मतलब कॉमन, क्या कॉमन है ए और बी में, 2, 3 कॉमन है, 2, 3 कॉमन है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में क्या कॉमन है 6, बी और सी में 6 कॉमन है। चलो ठीक है,
अब आ जाते हैं तीसरा पार्ट. तीसरा पार्ट है डिफरेंस ऑफ सेट का मतलब क्या होता है. कभी मैं बोलूं आपसे a माइनस b, तो a में से दोनों का कॉमन एलिमेंट हटा दो. कभी मैं बोलूं आपसे b माइनस c, तो b में से दोनों का कॉमन एलिमेंट हटा दो. कभी मैं आपसे बोलूं c माइनस d, तो c में से दोनों का कॉमन एलिमेंट हटा दो. कभी मैं बोलूं आपसे d माइनस a, तो d में से दोनों का कॉमन एलिमेंट हटा दो. कॉमन मतलब इंटरसेक्शन. कहीं मैं बोलूं e माइनस f, तो आप e में से दोनों का कॉमन हटा दोगे. कभी मैं बोलूं आपसे x माइनस y, तो आप x में से दोनों का कॉमन हटा दोगे. क्या कुछ समझ में आया? अब एग्जांपल से आपको समझा देता हूं. देखो एग्जांपल से, जैसे कि एग्जांपल है a है 1 2 3 4 5 और b है 3 4 5 6 7. तो हमें मान लो निकालना है a माइनस b और सेकंड b माइनस a. मान लो ये निकालना है, ठीक है. तो सबसे पहली बात करते हैं a माइनस b की. तो a माइनस b का मतलब होता है a में से b के एलिमेंट हटा दो. a में से b के एलिमेंट हटा दो. a माइनस b का हिंदी मतलब यही होगा, a में से b के एलिमेंट हटा दो. या तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था. तो एक बार पहले डायरेक्ट समझ लेते हैं. a माइनस b का मतलब a में से b के एलिमेंट हटा दो. तो ये a है 1 2 3 4 5, इसमें से b के एलिमेंट हटा दें. ढंग से देखो a में b के एलिमेंट कौन से, 3 4 5. a माइनस b का मतलब a में से b के एलिमेंट हटा दो. तो a में b के एलिमेंट कौन है, b के एलिमेंट 3 4 5 जो a में है. तो a में से b के एलिमेंट मतलब 3 4 5 हटा दो, तो क्या बचेगा, 1 2. बस a माइनस b मतलब a में से b के जो एलिमेंट a में आ रहा है वो हटा दो. अच्छा, दूसरा, अगर जिसे ना समझ में आए तो क्या करना है, a में से दोनों का कॉमन एलिमेंट हटाना है. a कौन है, 1 2 3 4 5 माइनस दोनों कॉमन क्या है, 3 4 5. तो 1 2 3 4 5 में से 3 4 5 हटाओगे तो क्या आ जाएगा, 1 2. देखो दोनों आंसर सेम है. अच्छा, b माइनस a, पहले डायरेक्ट b में से जो a के एलिमेंट आ रहे हैं वो हटा दो. b में से a के जो एलिमेंट आ रहे हैं वो हटा दो. तो b में गए हमें क्योंकि b में से a के एलिमेंट हटाना है. तो हम b में गए, हमने देखा कौन से एलिमेंट है भाई साहब a के. तो b में a के एलिमेंट कौन, 3 4 5. तो b में से 3 4 5 हटा दो, तो क्या बचा, 6 7 बचा. b में क्या बचा, 6 7. b में हटाना है a के एलिमेंट, तो b में 6 7 बचा ना. या अगर ना समझ में आया तो b माइनस a का फॉर्मूला बता दिया. b माइनस a मतलब b में से दोनों का कॉमन हटा दो. तो b क्या था, 3 4 5 6 7. और दोनों का कॉमन क्या है, दोनों कॉमन है 3 4 5. तो हटाया, आ गया 6 7. समझ में आया कि नहीं आया. चलिए एक्सरसाइज में बढ़ते हैं. तो आ जाते हैं अपन पहले क्वेश्चन में. एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई साहब, फाइंड द यूनियन. बहुत आसान, यूनियन कैसे निकालते हैं, ए यूनियन बी, ए के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट, बस यूनियन हो जाता है. तो चलिए चालू करते हैं. पहला क्वेश्चन है x दिया है 135 और y दिया है हमें y 123. तो अगर आपको यूनियन निकालना है x यूनियन y, तो आप क्या करोगे, पहले x के एलिमेंट लिखोगे. x का एलिमेंट क्या है, 135. x का एलिमेंट 135, फिर y का एलिमेंट 3 लिख चुके, और क्या लिखेंगे, 12. अच्छा, 103 लिख चुके हैं भाई साहब, 103 लिख चुके हैं, क्या लिखेंगे, 2. कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखना है. क्या किया, पहले x के एलिमेंट लिख दिए और फिर y के एलिमेंट लिख दिए. पहले x के एलिमेंट फिर y के एलिमेंट, ठीक है. सेकंड, a दिया है हमें a e i o u और b दिया है हमें b a b c. हमें निकालना है a यूनियन b. पहले a के सारे एलिमेंट लिख दो. a के एलिमेंट है a e i o u, फिर b के सारे एलिमेंट लिख दो. b का a लिख चुका और b नहीं लिखा, c नहीं लिखा, तो आ जाएगा b और c. ये हो गया यूनियन, कंबाइन कर लेना बस. चलो तीसरा क्वेश्चन, तीसरे में a क्या है, ऑल सेट ऑफ x. ढंग से पढ़ना है इसे. a है ऑल सेट ऑफ x, x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3. x क्या होगा, नेचुरल नंबर. a सेट में सारे नेचुरल नंबर आएंगे जो मल्टीपल ऑफ 3 हैं.
सारे नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ थ्री हैं, सारे नेचुरल नंबर जो मल्टीपल ऑफ थ्री हैं, मल्टीपल ऑफ थ्री मतलब थ्री से जो डिविजिबल है, तो पहला थ्री हो जाएगा, फिर सिक्स हो जाएगा, फिर नाइन हो जाएगा, फिर ट्वेल्व हो जाएगा, फिफ्टीन, ऐसे तो चलता ही जाएगा, एंड सो ऑन। अच्छा अच्छा अच्छा, बी सेट के बारे में क्या बोल रहा है? इट इज़ अ ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स। एक्स क्या है? नेचुरल नंबर है, लेस देन सिक्स। एक्स नेचुरल नंबर लेस देन सिक्स, सिक्स से छोटा नेचुरल नंबर वन होता है, सिक्स से छोटा टू थ्री फोर फाइव, सिक्स से छोटा नेचुरल नंबर, ठीक है। इनको कंबाइन करना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो देखो ए यूनियन बी में क्या करोगे आप, दोनों को कंबाइन करके लिखोगे, दोनों को कंबाइन करके लिखोगे, कंबाइन करना, कंबाइन करना। तो देखो पहले मैंने लिखा थ्री, फिर मैंने लिखा, अच्छा कंबाइन करना है दोनों को, दोनों के एलिमेंट्स को मिक्स करना है। तो पहले मैं बी के एलिमेंट लिख देता हूँ क्योंकि छोटा है ना ये, वन टू थ्री फोर फाइव, ये बी के एलिमेंट लिख दिए। अब मैं ए के एलिमेंट लिखूँ, जो थोड़ी होता है कि पहले ए का ही लिखो, पहले आप बी का भी लिख सकते हो, अरे बस सुन, लेकिन कॉमन एक बार लिखना है। तो मैंने पहले बी का एलिमेंट लिख दिया, अब मैं ए का एलिमेंट थ्री लिख चुका, फिर क्या आएगा, सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एंड सो ऑन, चलता ही जाएगा इसका। सुन मैं यूनियन बोला, यूनियन अगर बोलता है इंटरसेक्शन तो दोनों कॉमन सिर्फ थ्री है, ठीक है। चौथे पार्ट में आ जाते हैं, चौथे पार्ट में, चौथा पार्ट है, ए दिया है ऑल सेट ऑफ एक्स, एक्स नेचुरल नंबर है, एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है, छः से छोटी है, नेचुरल नंबर वन से बड़ा छः से छोटा, नेचुरल नंबर वन से बड़ा छः से छोटा, नेचुरल नंबर वन से बड़ा छः से छोटा, छः या छः से छोटा, वन से बड़ा छः या छः से, वन से बड़ा होता टू थ्री फोर फाइव सिक्स, वन से बड़ा छः या छः से छोटा। अच्छा अच्छा, सेट बी, सेट बी में आ जाते हैं, ऑल सेट ऑफ एक्स, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ग्रेटर दैन सिक्स लेस दैन टेन, एक्स नेचुरल नंबर है, छः से बड़ा दस से छोटा, छः से बड़ा दस से छोटा, छः से बड़ा दस से छोटा, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ पर एक्स जो है वो नेचुरल नंबर है, सिक्स से बड़ा टेन से छोटा, ठीक है। अब इनको कंबाइन करना है, ए यूनियन बी निकालना है। तो पहले मैंने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट क्या हो गए टू थ्री फोर फाइव सिक्स, फिर बी के सारे एलिमेंट सेवन एट नाइन, ये हो गया हमारी यूनियन। चलो पांचवा पार्ट, पांचवा पार्ट क्या दिया है, ए दिया है वन टू थ्री और बी दिया है फाइव, दोनों को कंबाइन करना भाई साहब, ये तो एम्प्टी खाली है, खाली को वन टू थ्री के साथ कंबाइन कर लो, ए यूनियन बी। तो पहले ए के एलिमेंट, पहले ए के एलिमेंट वन टू थ्री, फिर बी के एलिमेंट, बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं, बी में कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो याद रखना ए का यूनियन अगर फाइव के साथ करोगे तो ए ही आएगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा कोई बोले ए और फाइव में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है, ए और फाइव में कुछ कॉमन नहीं है, इंटरसेक्शन फाइव ही होता है इसका। आते हैं सेकेंड क्वेश्चन में, चलिए तो सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन ऑलमोस्ट सिमिलर है। बोल रहा है सेट ए दिया हमें ए कॉमा बी और सेट बी दिया हमें ए कॉमा बी कॉमा सी। पूछ रहा है क्या ए सबसेट है बी का, ए सबसेट है बी का, बिल्कुल है, ए के सारे एलिमेंट देखो बी में लाई करते हैं, ए के सारे एलिमेंट बी में, हम बोल सकते हैं ए सबसेट है बी का, ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं, इसलिए ए सबसेट है बी का। अच्छा अगर आप ए यूनियन बी निकालना चाहो तो, अच्छा एक चीज़ याद रखना, जब ए सबसेट है बी का तो क्या रिजल्ट आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो अगर आप ए यूनियन बी निकालना चाहो तो पहले ए के सारे एलिमेंट लिख दो और फिर बी के सारे एलिमेंट लिख दो, बी में ए बी लिख दिया तो सी, और ढंग से देखो ये ए बी सी क्या था, असली में बी सेट था। इसका मतलब कभी भी ए सबसेट अगर बी का दिया हो, कभी भी ए के सारे एलिमेंट अगर बी में लाई करते हैं, अगर ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं तो ए यूनियन, ए के सारे एलिमेंट बी में लाई करते हैं मतलब बी बड़ा सेट है, तो ए यूनियन बी बराबर बी होगा। और अगर बी के सारे एलिमेंट ए में लाई करते हैं, बी के सारे एलिमेंट ए में लाई करते हैं, बी सबसेट है ए का मतलब बी के सारे एलिमेंट ए में लाई करते हैं तो ए बड़ा होगा, तो ए यूनियन बी किसके बराबर होगा बताओ, ए के बराबर। अगर आपने ये ढंग से समझा तो अगला क्वेश्चन आपसे बन गया। बोल रहा है ए और बी दो सेट हैं, ए सबसेट है बी का तो बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। बोल रहा है ए सबसेट है बी का मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में आते हैं, बी एक बड़ा सेट है तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा, बी, जैसे पिछला था ए सबसेट था बी का तो ए यूनियन बी बी के बराबर था। आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए तो आपके पास ए दिया बी दिया सी दिया डी दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको क्या करना है यूनियन निकालना है। अगर आपको लग रहा है आपसे बन जाएगा
वीडियो को पॉज करो, स्टार्ट हो जाओ। तो हमें निकालना है ए यूनियन बी। पहले सबसे पहले ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे, ए के सारे एलिमेंट मतलब 1, 2, 3, 4, फिर बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे। ए यूनियन बी मतलब ऐसा सेट जिसमें ए के भी एलिमेंट आते हैं, बी के भी एलिमेंट आते हैं। तो सबसे पहले मैंने ए के सारे एलिमेंट लिख दिए, अब बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे। बी के सारे एलिमेंट क्या है, 3, 4, 5, 6, 3, 4 लिख चुके हैं, तो 5, 6 समझ में आया। फिर लिखेंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी में क्या करेंगे, पहले ए के सारे एलिमेंट लिखेंगे, ए के सारे एलिमेंट, ए के सारे एलिमेंट मतलब 1, 2, 3, 4, और फिर सी के सारे एलिमेंट, सी के सारे एलिमेंट मतलब 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। बी यूनियन सी, बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, बी के सारे एलिमेंट, बी के सारे एलिमेंट लिखेंगे, बी के सारे एलिमेंट मतलब 3, 4, 5, 6, 3, 4, 5, 6, और फिर सी के सारे एलिमेंट 5, 6, 7, 8, 5, 6 तो हो गया 7, 8, 5, 6 तो लिख चुके हैं ना, तो 7, 8। अब बी यूनियन डी, पहले बी के सारे एलिमेंट लिख लेंगे, बी के सारे एलिमेंट 3, 4, 5, 6, फिर डी के सारे एलिमेंट, डी के सारे एलिमेंट 7, 8, 9, 10, तो ये आ जाएगा 7, 8, 9, 10। फिर आता है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी यूनियन सी को पहले अपन डिवाइड करेंगे कुछ पार्ट, पहले ए यूनियन बी निकालेंगे और फिर उसका यूनियन लगाएंगे किसके साथ, सी के साथ। अच्छा, ए यूनियन बी तो अपन निकाल चुके हैं, क्या निकालें ए यूनियन बी, 1, 2, यहाँ पे ये निकाले ना, ये 1, वही लिख देता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यूनियन सी, सी 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 क्या था, 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8। अगर इनका यूनियन निकालोगे, इनका यूनियन निकालोगे तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पहले ये पूरा सेट लिखा फिर यूनियन, 5, 6 के बाद क्या आ जाएगा, 7, 8, ये आ जाएगा। इसके बाद हाँ, ए यूनियन बी यूनियन डी का मतलब, ए यूनियन बी यूनियन डी का मतलब पहले ए यूनियन बी लिखेंगे, पहले लिखेंगे ए यूनियन बी, फिर यूनियन लगाएंगे किसके साथ, डी के साथ। तो ए यूनियन बी का आंसर हमें पता है क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसका यूनियन लगाएंगे किसके साथ, डी के साथ। डी 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 कहाँ गया, ये था 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। यूनियन मतलब कंबाइन करना, कंबाइन कर लेते हैं, पहले ये साइड लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, और फिर आ जाएगा 7, 8, 9, 10। बी यूनियन सी यूनियन डी का मतलब पहले बी यूनियन सी निकालेंगे, जो आंसर आएगा यूनियन लगाएंगे किसके साथ, डी के साथ। तो बी यूनियन सी निकाल लेते हैं, बी और सी का कंबाइन कर लेते हैं, बी और सी को कंबाइन, तो बी यूनियन सी का आंसर ये है हमारे पास, बी यूनियन सी का आंसर। तो बी यूनियन सी का आंसर क्या है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यूनियन डी, डी क्या है, डी 7, 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10। चलिए कंबाइन कर लेते हैं, पहले पहला सेट लिखेंगे 3, 4, 5, 6, 7, 8, और फिर 7, 8 लिख चुके हैं, तो क्या आ जाएगा, 9, 10, ये आ जाएगा आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए तो आ जाते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन लिखा है, फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ ईच पेयर ऑफ सेट इन क्वेश्चन वन। क्वेश्चन वन में जो जो अपने को पेयर ऑफ सेट दिए थे उनका इंटरसेक्शन निकालना, तो ये मैंने वन वापस से लिख दिया है, चलिए निकालते हैं। सबसे पहले x और y का इंटरसेक्शन, x इंटरसेक्शन y, x और y में क्या कॉमन है, 1 कॉमन है, 3 कॉमन है, तो इंटरसेक्शन आ गया 1, 3। अच्छा, फिर a और b में, a इंटरसेक्शन b, a और b में क्या कॉमन है, a और b में स्मॉल a कॉमन है और b नहीं है, दोनों पास c नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ a कॉमन है, स्मॉल a, स्मॉल a, ठीक है। ये क्या था, ये वाला क्या था, ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3, सारे नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन, तो ये था ए सेट। अच्छा, बी सेट क्या, बी सेट ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6 नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, इनका इंटरसेक्शन बोला, इनका इंटरसेक्शन बोला, इनका इंटरसेक्शन, इनका इंटरसेक्शन क्या है, कॉमन क्या है, सिर्फ 3 कॉमन, ठीक है। इसमें क्या बोला, सेट ए ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड नेचुरल नंबर लेना है जो 1 से बड़ा हो, 6 या 6 से छोटा हो, 1 से बड़ा हो, 1 नहीं आएगा, ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स इज ग्रेटर देन 1, तो 2, 3, 4, 5, 6 आएगा इसमें। बी बोला ऑल सेट ऑफ नेचुरल नंबर एक्स शुड बी ग्रेटर देन 6, लेस देन 10, तो 6 से बड़ा मतलब 7, 8, 9। इसमें इंटरसेक्शन क्या आएगा, इसमें इंटरसेक्शन, इसमें इंटरसेक्शन 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कुछ भी कॉमन नहीं, 5, कुछ भी कॉमन ना हो तो 5,
अच्छा लास्ट वाले हैं देखो, ए इंटरसेक्शन बी, कुछ भी कॉमन ना हो तो फाई, वन टू थ्री और फाइव में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है तो फाई आ जाएगा। चलिए आ जाते हैं सिक्स और सेवन क्वेश्चन में। सिक्स क्वेश्चन क्या लिखा है, ए लिखा है 3 5 7 9 11, बी लिखा है 7 9 11 13, सी लिखा है, डी लिखा है। हमें क्या करना है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो पहला हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में क्या कॉमन है, ए और बी में क्या कॉमन है भाई साहब, ए और बी में, ए और बी में 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो ए और बी में क्या क्या कॉमन है, 7 9 11 7 9 11, ये हो गया पहला। दूसरा क्या बोल रहा है, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है, बी और सी में 7 नहीं है, 9 नहीं है, 11 है, 13 है, तो 11 और 13। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी और फिर इंटरसेक्शन डी, ठीक है। तो पहले ए और सी में कॉमन देख लो, फिर डी में कॉमन देखेंगे ए और सी में। तो ए और सी में, ए और सी में 3 नहीं है, 5 नहीं है दोनों पास, 7 नहीं है दोनों पास, 9 नहीं है दोनों पास, 11 है कॉमन। इंटरसेक्शन डी, डी लिख देता हूँ पहले, मैं डी लिख देता हूँ 15 17। मैंने क्या किया, ए इंटरसेक्शन सी का आंसर लिखा, फिर इंटरसेक्शन एज इट इज लगाया, फिर डी लगाया, 11 15 17 कुछ कॉमन नहीं, 5 5। फोर्थ ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में अभी देखा था ना 11 कॉमन है, ठीक है। फिफ्थ क्या था, बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है, बी और डी, बी 7 9 11 13 कुछ भी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं भाई साहब, एम्प्टी सेट को ब्रेसेस में नहीं लिखना, ध्यान रखना। सिक्स्थ है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ठीक है। पहले ए लिख देता हूँ मैं इसकी जगह, ए है 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है, बी और सी को कंबाइन करके लिखना है, बी और सी को कंबाइन करके। तो पहले बी लिखेंगे, बी लिखा 7 9 11 13, फिर सी को लिखेंगे, 11 13 लिख चुका हूँ, 15। बी यूनियन सी जैसे बताया था, कॉमन क्या है इनमें, 7 9 11, 7 9 11 कॉमन है, ये आ जाएगा आंसर। सिक्स तक का आंसर हो गया, जिसने लिख लिया अच्छी बात है, वरना पॉज करके जल्दी लिख दो। आ जाते हैं सेवेंथ में, चलो सेवेंथ वाले, सेवेंथ में क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन डी, बस ए इंटरसेक्शन डी, ए और डी में क्या कॉमन है, ए और डी में कुछ कॉमन नहीं है, 5। एट्थ में क्या बोल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, पहले आप ए लिख लो, ए सेट लिख लो, 3 5 7 9 11 इंटरसेक्शन, बी और डी का यूनियन निकाल लो, बी और डी का यूनियन, बी और डी का यूनियन मतलब बी और डी का यूनियन मतलब बी और डी को कंबाइन करके लिखना, तो बी है 7 9 11 13, 7 9 11 13, बी और डी को कंबाइन करना ना, बी और डी को, तो बी लिख लिया, अब डी लिखेंगे 15 17। इनमें कॉमन क्या है, इनमें कॉमन है 7 9 11, 7 9 11 इनमें है कॉमन, ठीक है। अब आ जाते हैं नौवें वाले में, नौवा है ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी लिख लेते हैं, ए और बी में क्या कॉमन, ए और बी में क्या कॉमन, 7 9 11 7 9 11, तो ए इंटरसेक्शन बी में आ जाएगा 7 9 11। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का आंसर लिख लेता हूँ, बी और सी को कंबाइन कर लेते हैं, 7 9 11 13 आ जाएगा बी में, 7 9 11 13 आ गया बी में, और सी, सी में क्या आ जाएगा, सी में आ जाएगा 11 13 लिख चुका हूँ, 15। इनमें कॉमन क्या है भाई साहब, कॉमन क्या है इनमें, इंटरसेक्शन करना है 7 9 11, सभी का आंसर 7 9 11, क्या बात है। दसवां ए यूनियन डी, ए और डी कंबाइन कर लेते हैं, ए है 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ठीक है। अभी तो मैंने ए लिखा, ए यूनियन डी वाला, ए और डी को कंबाइन करना, तो ए के एलिमेंट लिख दिए, अब डी के एलिमेंट, डी के एलिमेंट क्या है, 15 17, ये आ गया ए यूनियन डी। इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, चलो बी और सी को कंबाइन कर लेते हैं, बी है 7 9 11 13,
पहले बी यूनियन सी लिखने के लिए पहले बी लिखोगे 7, 9, 11, 13 और फिर सी लिख दोगे 11, 13 है पहले से 15। इनमें कॉमन क्या भाई साहब 7, 9, 11, 15 7, 9, 11, 15 ये है कॉमन। चलो अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर सेवन में लिखा है अ सेट ए ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ए क्या है? सारे नेचुरल नंबर। अच्छा बी क्या है? इवन नंबर। बी है इवन नंबर 2, 4, 6, 8, 10। सी क्या है? सारे ऑड नंबर। ऑड मतलब 1, 3, 5, 7, 9 ठीक है। डी क्या है? प्राइम नंबर। सारे प्राइम नंबर। प्राइम होता है 2। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके दो फैक्टर होते हैं, एक तो 1 एक इटसेल्फ, 2, 3, 5 रहता है 7, 11, 13। अच्छा ध्यान रखना सिर्फ 2 छोड़ के बाकी सारे प्राइम ऑड होते हैं ठीक है। तो सबसे पहला बोला ए इंटरसेक्शन बी निकालने के लिए, आप बताओ ए और बी में क्या कॉमन। ए है सारे नेचुरल नंबर, बी है सारे इवन नंबर। ए है सारे नेचुरल नंबर, बी है सारे इवन नंबर, तो नेचुरल नंबर और इवन नंबर में कॉमन क्या हो जाएगा? इवन नंबर। समझ में आ रहा है? कॉमन देखो ए क्या है? सारे नेचुरल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और बी क्या है? 2, 4, 6, 8 तो दोनों में 2, 4, 6, 8, 10 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा? तो सारे इवन नंबर इसमें कॉमन हो जाएंगे। सेकंड क्या है? देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी, ए है सारे नेचुरल नंबर, सी है ऑड नंबर, तो सारे नेचुरल नंबर और ऑड नंबर में क्या कॉमन हो जाएंगे? ए है नेचुरल नंबर, ऑड है 3, 5, 7 तो दोनों में 3 आएगा। नेचुरल नंबर में भी 3 आएगा, ए में नेचुरल नंबर 3, इसमें भी 3, सी में ऑड भी 3। देखो इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 7, इसमें भी 7, कॉमन क्या आ रहे हैं? सिर्फ ऑड आ रहे हैं, तो ऑड नंबर, ऑड नंबर मतलब 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 5, 7 एंड so on। चलो तीसरा ए इंटरसेक्शन डी, ए है सारे नेचुरल नंबर, ए क्या है? सारे नेचुरल नंबर। अच्छा मैं एक चीज आपको बता दूं, एक बड़ा सेट और एक छोटा सेट अगर दोनों में सब कुछ कॉमन है, जैसे ए और बी में देख लो, ए और बी में ए नेचुरल नंबर, बी इवन नंबर, बी पूरा कॉमन है तो बी आपका आंसर होगा। ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी आ गया, पूरे इवन नंबर। ए नेचुरल नंबर बड़ा सेट, सी ऑड नंबर, सारे ऑड नंबर इसमें आ रहे हैं तो ए इंटरसेक्शन सी सी के बराबर होगा। ऐसी ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ए है पूरे नेचुरल नंबर, डी है प्राइम नंबर, सारे प्राइम नंबर नेचुरल नंबर के ही अंडर आते हैं तो उनमें कॉमन क्या होगा? पूरा डी, पूरा डी मतलब प्राइम नंबर 2, 3, 5, 7, 11 एंड so on ठीक है। आ जाते हैं फोर्थ है बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या कॉमन है? बी है इवन नंबर, सी है ऑड नंबर, इवन और ऑड में कुछ कॉमन नहीं होता, 5 ठीक है। चलो इसके बाद आ जाते हैं बी इंटरसेक्शन सी हो गया, बी इंटरसेक्शन डी, फिफ्थ है बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी में क्या कॉमन है? बी है इवन नंबर, डी है प्राइम नंबर, बी है इवन नंबर, डी है प्राइम नंबर, देखो दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, दोनों में सिर्फ 2 कॉमन है, बी है इवन नंबर, डी है प्राइम नंबर, दोनों में कॉमन क्या है? सिर्फ 2, क्योंकि बी में सारे इवन नंबर, प्राइम नंबर में सिर्फ एक ही इवन नंबर वो है 2, तो इसका आ जाएगा आंसर 2। छठवां सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, सी और डी में क्या कॉमन? सी और डी में क्या कॉमन? सी है ऑड नंबर, डी है प्राइम नंबर, सारी चीजें कॉमन है। देखो थ्री क्या क्या कॉमन होगा सी इंटरसेक्शन, सी बड़ा सेट है, सी बड़ा सेट, डी क्या छोटा सेट है, ये प्राइम नंबर है, तो बताओ 2 को छोड़ के ये 3 वाला प्राइम नंबर ऑड के अंदर आएगा, 5 वाला प्राइम नंबर ऑड के अंदर आएगा, 7 वाला प्राइम नंबर ऑड के अंदर आएगा, 11 वाला प्राइम नंबर ऑड के अंदर आएगा, 13 वाला प्राइम नंबर ऑड के अंदर आएगा, मतलब सी इंटरसेक्शन डी में सारे ऑड प्राइम नंबर आ जाएंगे, सारे ऑड प्राइम नंबर आ जाएंगे, मतलब 3, 5, 7, 11 एंड so on ये आ जाएंगे। चलिए आते नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलिए तो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। क्या लिखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट का मतलब मैंने आपको नहीं बताया था, डिसजॉइंट नाम से समझ में आ रहा है इनमें कोई आपस में कनेक्शन नहीं है, मतलब अगर मैं कोई ए सेट बोलूं 1, 2, 3
और एक मैं अपने से आपको बी सेट बोलूँ 4, 5, 6, बताइए इनके बीच में कुछ कॉमन है क्या? बिल्कुल नहीं। अगर इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं तो इनका इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 5। तो ए और बी के बीच में कुछ कॉमन नहीं, नहीं, तो इसका मतलब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ए और बी क्या है? डिसजॉइंट सेट, कुछ भी कॉमन नहीं है इसमें। जैसे ए दिया है 1, 2, 3, 4, अच्छा बी क्या दिया है? ऑल सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, लेस देन इक्वल टू 6। तो बी है नेचुरल नंबर, 4 या 4 से बड़ा, 6 या 6 से छोटा, 4 भी आएगा, 5 भी आएगा, 6, ऐसा नेचुरल नंबर जो 4 या 4 से बड़ा हो, 6 या 6 से छोटा हो। अगर इनका इंटरसेक्शन 5 आ गया तो ये डिसजॉइंट, वरना नहीं होंगे। तो दोनों कॉमन देखो क्या, ए और बी में क्या कॉमन है? ए और बी के अंदर 4 कॉमन है। तो ये नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है, नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट सेट, ए और बी डिसजॉइंट सेट नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा ए दिया ए ई आई ओ यू और बी सेट दिया सी डी ई एफ, दोनों कॉमन क्या है? अगर मान लो ये ए सेट है इंटरसेक्शन, अगर ये बी सेट है, दोनों कॉमन क्या है? ई कॉमन आ रहा है दोनों में, ई कॉमन आ रहा है, इसका मतलब ए एंड बी आर नॉट डिसजॉइंट, ठीक है। अच्छा इसमें क्या बोल रहा है? ए क्या है? सारे इवन नंबर, ए है सारे इवन नंबर और सेट बी क्या है? सेट बी सारे ऑड नंबर। क्या इवन नंबर ऑड नंबर कुछ कॉमन होता है? बिल्कुल नहीं होता, इसीलिए ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट, मतलब ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट मतलब ये है कि इवन नंबर और ऑड नंबर का सेट आपस में क्या होगा? डिसजॉइंट होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर नाइन की अगर मैं बात करूं तो हमें कुछ सेट दिए गए हैं, ठीक है, हमें कुछ सेट दिए गए हैं और ए सेट दिया गया है, बी सेट दिया गया, सी सेट दिया गया, डी सेट दिया गया, हमें बोल रहा है ए माइनस बी निकालने को। तो ये तो बहुत ही आसान आंसर है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? ए में से बी के सारे एलिमेंट हटा दो, या ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो दोनों में कॉमन है। तो ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, बी के एलिमेंट, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। तो पहले मैं ए लिख, ए में से बी, बी क्या है? 4, 8, 12, 16, 20। पहले आप एक काम करो, ए माइनस बी, मैं कुछ बता देता हूँ, 12 है, बहुत सारे हैं ये। तो ए मान लो लिख देता हूँ, चलो ए है 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 माइनस 4, 8, 12, 16, 20। तो अगर ये एलिमेंट इसमें आ रहा है तो हटा दो, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो, ए में से बी के एलिमेंट हटा दो। तो ए में से, ए में से इसमें 4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 8 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 12 आ रहा है, तो ए में से 12 गया। 16 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। 20 आ रहा है? नहीं। तो ए में से बी के एलिमेंट हटाना था, तो ए में बी के कौन से एलिमेंट आ रहे हैं? सिर्फ 12। तो बचेगा क्या? 3, 6, 9, 15, 18, 21। एक तो ये तरीका है कि आप ए में से बी का जो भी एलिमेंट दिख रहा है हटा दो, या दूसरा तरीका है ए में से दोनों के कॉमन एलिमेंट हटा दो। ए माइनस बी मतलब ए में से दोनों के एलिमेंट हटा दो कॉमन, बी माइनस ए मतलब बी में से दोनों कॉमन हटा दो। तो ए था हमारा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इसमें से दोनों कॉमन, दोनों के कॉमन क्या आ रहा है? 12 आ रहा है। तो 12 हटा दो, इसमें से 12 हटा दिया, तो क्या बचा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21। अच्छा सॉरी, 12 तो आएगी, ये आ गया ए माइनस बी का आंसर। ऐसी बहुत सारे दिए हैं, आप सभी को ट्राई करो, बन जाएंगे आप, इतना तो आपसे बन ही जाएगा। एक और क्वेश्चन कोई मैं बता देता हूँ, जैसे चलो सी माइनस ए बता देता हूँ, सी पहले लिख देता हूँ, सी है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 माइनस ए, ए है 3, 6, 9, 12 और 15, 18, 21। यहाँ तो ऐसे माइनस कर दो, तो इस सेट में 3 आ रहा है क्या? यहाँ पर ये देखो 3 आ रहा है, नहीं 6 आ रहा है, हाँ आ रहा है, हटाना पड़ेगा इससे, सी माइनस है, सी में से ए के एलिमेंट हटाना है, ये सी है और ये क्या है? ए है, 6 आ रहा है, ठीक है, हटा दिया, 6 हटा दिया।
फिर इसका 12 आ रहा है, इसमें 12 हटा दिया, फिर बस तो सी में से ए हटा दिया, फिर सी लिख दिया 2, 4, 8, 10, 14, 16 ये आ गया। अच्छा सी माइनस ए का दूसरा मतलब क्या होता है, सी माइनस ए का मतलब दूसरा कि सी में से दोनों के कॉमन एलिमेंट हटा दो, सी में से दोनों कॉमन एलिमेंट हटा दो। तो सी था 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 दोनों कॉमन एलिमेंट, दोनों कॉमन एलिमेंट क्या, दोनों कॉमन एलिमेंट सी और ए में, कॉमन एलिमेंट क्या सी और ए में 6 और 12, तो 6 और 12 हटा दो, हटा दिए 6 और 12, बचा जो वो आपका आंसर। ट्राई कर लीजिए ऐसी अगले क्वेश्चंस। चलिए तीन क्वेश्चन बचे हैं इस एक्सरसाइज के, आते हैं करते हैं इसमें। तो हमें 10th क्वेश्चन में x दिया है y दिया, ये तो आपसे बन जाएगा x माइनस वाई बना, इतने तो आप होशियार हो गए होगे अब तक, तो ट्राई कर लो आप पॉज करके, बाकी मैं आपको बता देता हूँ। x माइनस वाई तो पहले x लिख लेता हूँ, a b c d, x में से y के एलिमेंट हटाना है, y क्या f b d g, तो x में कोई y का एलिमेंट आ रहा है क्या, हाँ b आ रहा है, b d भी आ रहा है, तो x में से y का एलिमेंट हटा दो, तो y के कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, b d बी डी, तो क्या बचेगा ए सी, ये बचेगा। अच्छा वाई माइनस एक्स का मतलब वाई, ये बी, ये डी और ये जी, इसमें से एक्स हटा दो, एक्स क्या है ए बी सी डी हटा देंगे, तो उसको हटा दिया, तो इस सेट में से इस सेट कौन सा एलिमेंट हटेंगे, बी और डी, तो क्या बचेगा एफ और जी, एफ और जी, y में से x के एलिमेंट हटा दिए, बाकी जो y में बचा वो लिख दिया, x माइनस वाई का मतलब x में से y के एलिमेंट हटा दिए, जो बचा x का वो लिख लिया, x इंटरसेक्शन y दोनों कॉमन क्या है, bd, दोनों कॉमन क्या है bd, समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन क्या लिखा है, इफ r इज सेट ऑफ रियल नंबर, r क्या है सेट ऑफ रियल नंबर, q क्या है रैशनल नंबर, देन व्हाट इज r माइनस q, r माइनस q, क्यू मतलब रैशनल, भाई साहब रियल नंबर में से रैशनल हटा दो तो सिर्फ इरेशनल बचता है, इरेशनल नंबर्स बचते हैं, ये हो जाएगा आंसर। ये तो नौवीं का ज्ञान है, रियल नंबर के अंदर दो चीज़ें आती हैं, रैशनल और इरेशनल, रियल में से आपने रैशनल हटा दी तो इरेशनल बचा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या बोल रहा है, स्टेट वेदर ईच अदर फॉलोइंग आर ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स खेलना है, चलो खेलते हैं ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो भाई साहब पहला वाला बोल रहा है कि 2, 3, 4, 5 और 3, 6 डिसजॉइंट सेट हैं, डिसजॉइंट सेट कब होते हैं जब दोनों के बीच कुछ कॉमन नहीं होता, भाई साहब दोनों के बीच में कॉमन तो है, डिसजॉइंट कैसे हुआ, फॉल्स। दूसरा ए ई आई ओ यू ए बी सी डी आर डिसजॉइंट सेट, ये भी डिसजॉइंट है, फॉल्स है भाई साहब, डिसजॉइंट तभी होता है जब दोनों के बीच में कुछ कॉमन हो ही नहीं, कॉमन तो है ना इसमें। अच्छा 2, 6, 10, 14, 3, 7, 11, 15 कुछ कॉमन नहीं है, डिसजॉइंट है ये, ट्रू। 2, 6, 10, 3, 7, 11 कुछ कॉमन है क्या, 2, 6, 10, 2, 6, 10, 3, 7, 11 ट्रू, कुछ कॉमन नहीं है।